हेलो स्टूडेंट्स वेलकम टू दी अनदर क्लास ऑफ ट्रांसफर प्रॉपर्टी एक्ट तो इससे पहले हमने जो लास्ट लेक्चर में किया था वो था सेल आज हम उसी को जो बायर और बायर और सेलर है उन्हीं की कुछ राइट्स एंड लाइबिलिटीज हैं जब वो किसी सेल के कॉन्ट्रैक्ट में एंटर करते हैं तो वो हम डिस्कस कर लेते हैं सेक्शन फिफ्टी में तो सबसे पहले देखिए हम इसको मैंने जो है बाईफर्कट कर लिया है पहले सेलर की लाइब्रेटी डिस्कस करेंगे फिर सेलर के डिस्कर डिस्कस करेंगे उसके बाद बायर की लाइब्रेटीज और बायर के राइट्स अब अगर आप सेक्शन में देखेंगे सेक्शन फिफ्टी फाइव को देखेंगे तो उसमें एज अ होल मतलब पैराग्राफ्स में बांटा गया है ठीक है तो इसको हम उस तरीके से ना पढ़कर सेलर की लाइब्रेटी सेलर के राइट बायर की लाइबिलिटी और बायर के राइट right, इस तरीके से हम इसको पढ़ लेते हैं तो देखिए आइए सबसे पहले हम करते हैं सेलर की लाइबिलिटी अब यहाँ पर देखिए सेक्शन uh, 55 का सब सेक्शन वन जो है uh, यहाँ पर बात करता है सेलर की लाइबिलिटी लेकिन इसको भी हमने फर्दर बायफर्केट कर लिया है बिफोर कम्प्लीशन ऑफ सेल और आफ्टर कम्प्लीशन ऑफ सेल तो पहले हम बात कर लेते हैं बिफोर कंप्लीशन ऑफ सेल मतलब कि जब तक कि सेल की ट्रांजैक्शन उनके बायर और सेलर के बीच में पूरी नहीं हुई है उससे पहले जो है सेलर की क्या लाइब्रिटीज होंगी वो हम वन बाय वन डिस्कस कर लेते हैं तो इसमें सबसे पहली जो लाइब्रेटी है क्लॉज ए में वो दिया गया है टू डिस्कलोज एवरी मटीरियल डिफेक्ट इन द प्रॉपर्टी और टाइटल ऑफ द सेलर तो देखिए जब बायर और सेलर के बीच में कॉन्ट्रैक्ट अगर है तो ठीक है उन दोनों को जो भी कॉन्ट्रैक्ट की टर्म्स एंड कंडीशंस होंगी वो फुलफ़िल करनी है उसके अलावा जो सेक्शन 55 की जितने भी प्रावधान है वो भी ध्यान में रखनी है तो सबसे पहले इसमें दिया गया है कि सेलर को जो भी प्रॉपर्टी से रिलेटेड डिफेक्ट हैं जितने भी डिफेक्ट्स हैं मान लो Uh, कुछ डिफेक्ट्स ऐसे होते हैं जो बेर आई नेकेड से दिख जाते हैं कुछ डिफेक्ट्स ऐसे हैं जो जिसको केवल एक एक्सपर्ट ही पहचान सकता है तो अगर किसी भी टाइप का डिफेक्ट है यहाँ पर प्रॉपर्टी जो बात हम कर रहे हैं वो इमोवेबल प्रॉपर्टी होगी ठीक है तो इस तरीके से अगर उस इमोवेबल प्रॉपर्टी में कोई किसी भी टाइप का डिफेक्ट है चाहे वो प्रॉपर्टी का डिफेक्ट हो या चाहे टाइटल का डिफेक्ट है जिसमें कि बाय जो सेलर है उसका खुद का जो टाइटल है वो क्लियर नहीं है तो एप्सोल्यूट टाइटल नहीं है तो उस केस में उसको जो है ये सारी बातें बायर को बतानी पड़ेंगी सेल सेल से पहले ठीक है सेल को कंप्लीट करने से पहले मतलब इससे पहले कि बायर उसे खरीद ले तो जितने भी उसमें मटेरियल डिफेक्ट्स हैं प्रॉपर्टी में या टाइटल को लेकर अगर कोई डिफेक्ट defect है डिफेक्टिव टाइटल है तो फिर सेलर को जो है ये सारी चीजें डिस्क्लोज करनी पड़ेंगी किसको बायर को तो अब हम बात करते हैं क्लॉज uh, बी में uh, जो सेलर की अगली लायबिलिटी है वो है कि द सेलर इज बाउंड टू प्रोड्यूस टाइटल डीड्स फॉर इंस्पेक्शन ऑफ द बायर तो देखिए अगर बायर कहता है कि uh, मैं इस सपोज uh, प्लॉट है कोई तो इस प्लॉट या लैंड को खरीदने से पहले टाइटल डीड्स देखना चाहता हूँ जैसे रजिस्ट्री देखना चाहता हूँ या म्यूटेशन के डॉक्यूमेंट देखना चाहता हूँ तो उस केस में जो सेलर होगा उसकी ये ड्यूटी है उसकी वो इसकी ये लाइबिलिटी है कि वो उसको जो है टाइटल डीड्स अपने दिखाए ठीक है थीके? और उसके बाद जो बायर होगा वो क्या करेगा इंस्पेक्ट करेगा टाइटल डीड्स को ठीक है और अगर बायर खुद ही इंस्पेक्ट नहीं करता है तो ये मान लिया जाएगा कि बायर को कंस्ट्रक्टिव नोटिस है मतलब कि ठीक है सेलर का एक उसको पता है कि सेलर का एक जो टाइटल है वो डिफेक्टिव है लेकिन उसके बावजूद भी वो उसे खरीदना चाहता है तो फिर जो भी प्रॉपर्टी से रिलेटेड डिस्प्यूट uh, कल को अराइज होंगे वो सब uh, जो uh, uh, जो लाइब्रिटीज हैं वो सब बायर में आ जाएंगी लेकिन अगर बायर खुद ही विजिलेंट है पहले खुद ही वो डॉक्यूमेंट मांगना चाहता है देखना चाहता है खरीदने से पहले तो उस केस में फिर सेलर को उसे प्रोड्यूस करने पड़ेंगे ठीक है इसके बाद हम बात करते हैं क्लॉज सी में टू आंसर क्वेश्चन टू द टाइटल एंड प्रॉपर्टी देखिए अगर बायर उसे सवाल जवाब करता है प्रॉपर्टी को लेकर प्रॉपर्टी जो भी मतलब जो भी उसके मन में क्वेश्चन हैं अगर वो उससे पूछता है या टाइटल को लेकर उसके मन में कोई क्वेश्चन है बायर के मन में तो वो फिर यहाँ इस केस में जो आपका सेलर है उसकी ये ड्यूटी बन जाती है कि उन सारे क्वेश्चन का वो आंसर दे ठीक है ये आपका क्लॉज़ सी है क्लॉज़ डी कहता है टू एग्जीक्यूट कन्वेंस ठीक है एग्जीक्यूट कन्वेंस मतलब देखिए जब एक बार पूरी अमाउंट पे की जा चुकी है बायर ने सारी अमाउंट पे कर दी है किसको सेलर को किसके लिए किसी इमूवेबल प्रॉपर्टी को खरीदने के लिए उसके बाद ये आ, सेलर की ड्यूटी बन जाती है लायबिलिटी बन जाती है कि वो उसके फेवर में सेल डीड जल्द से जल्द करवा दे ठीक है तो ये इस, इस इसका जो भी उनके बीच में कॉन्ट्रैक्ट एंटर होगा कि हमें किस पर्टिकुलर प्लेस में सेल डीड करनी है किस टाइम पे करनी है तो ये उस कॉन्ट्रैक्ट के अकॉर्डिंग हो जाएगा ठीक है तो कहने का मतलब है कि जैसे ही पूरी अमाउंट पे कर दी जाती है सेल डीड सेलर के द्वारा एग्जीक्यूट कर दी जानी चाहिए उसके बाद क्लॉज ई कहता है टू टेक केयर ऑफ द प्रॉपर्टी तो यहाँ पर देखिए जब तक कि सेलर और बायर के बीच में कॉन्ट्रैक्ट हुआ है कि हम आ, इस तरीके से खरीदेंगे इस, इस तारीख को सेल डीड होगी इस तारीख को डिलीवरी होगी तो जब तक ये पूरी ट्रांजैक्शन चल रही है उस दिन से लेकर जब तक कि प्रॉपर्टी को दे नहीं दिया जाता ठीक है डिलीवरी मतलब डेट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट से लेकर डेट ऑफ डिलीवरी तक जो आ, प्रॉपर्टी की देख रेख है वो सेलर ही करेगा ठीक है सेलर की ये ड्यूटी बनती है कि वो प्रॉपर्टी के देख रेख उस दौरान कर लेगा कब तक कब से कब तक जब से कॉन्ट्रैक्ट हुआ है दोनों के बीच में सेलर और बायर के बीच में और कब तक जब तक कि प्रॉपर्टी uh, को डिलीवर नहीं कर दिया जाता किसको बायर को ठीक है तो ये इसमें सेलर uh, की यहाँ पर लाइब्रिलिटी बन जाती है इसके बाद क्लॉज जी में आता है टू पे आउट गोइंग्स तो यहाँ पर सेलर uh, की ये ड्यूटी बनती है कि देखिए अगर उसको uh, उसको पैसा मिल चुका है सारा पैसा मिल चुका है प्रॉपर्टी का तो उस प्रॉपर्टी से रिलेटेड जितने भी टैक्सेस uh, थे जैसे सपोज हाउस टैक्स है इलेक्ट्रिसिटी बिल है वाटर का बिल है तो जब अगर सेल कंप्लीट uh, हो चुकी है पैसा पूरा मिल चुका है उसको तो फिर उसकी ये लाइबिलिटी बन जाती है कि उस घर से रिलेटेड या उस लैंड से रिलेटेड जो भी टैक्सेस थे जो भी इनकमेंसेस थे वो उसको पूरा करे ठीक है उसको फुल उसको पूरी पेमेंट उस म्यूनसिपल टैक्सेस को पूरा करे उसकी पूरी पेमेंट करे गवर्नमेंट रेवेन्यूज की पेमेंट करे उसके बाद ही वो जो है बायर को ट्रांसफ़र हो ठीक है तो कहने का मतलब कि जब तक की सेल कंप्लीट हो रही है तब तक उस लैंड से या उस हाउस से जो भी टैक्सेस अराइज़ हो रहे हैं जो भी गवर्नमेंट रेवेन्यूज अराइज़ हो रहे हैं वो फुलफिल करेगा कौन सेलर ठीक तो यहाँ पर ये कुछ लाइबिलिटीज थी सेलर की कब बिफोर कंप्लीशन ऑफ सेल अब हम नेक्स्ट स्लाइड में आते हैं तो नेक्स्ट स्लाइड में बात करते हैं

तो देखिए पोजेशन कब दिया जाएगा जब सेल कंप्लीट हो जाएगी ठीक है तो उसके बाद जो सेलर है वो अपनी प्रॉपर्टी को किसको दे देगा कि उसका किसको दे देगा बायर को दे देगा या फिर बायर के द्वारा जो भी ऑथराइज्ड पर्सन है जिसको भी उसने ऑथराइज किया हुआ हो उसको दे दिया जाएगा ठीक है तो ये पोजेशन यहाँ पर उसको दिया जाना है इसके बाद अगर हम बात करें नेक्स्ट सेक्शन जो कि सेक्शन 55 फाइव सब सेक्शन टू है तो यहाँ पर कोवेनेंट ऑफ टाइटल तो देर शिल भी इम्प्लाइड द सेलर हैज राइट टू ट्रांसफर द प्रॉपर्टी टू द बायर ठीक है ये इम्प्लायड है ठीक है कि सेलर का जो है वो राइट है ट्रांसफर करने का प्रॉपर्टी किसको बायर को उसके बाद सेक्शन 55 फाइव क्लास थ्री बात करता है टू डिलीवर टाइटल डीड्स ऑन रिसिप्ट ऑफ प्राइस तो अगेन जब प्राइस मिल चुका है सेलर को पूरा अमाउंट मिल चुका है अपनी प्रॉपर्टी का उसके बाद उसको सेल ड्यूट भी एग्जीक्यूट करना है और जो उसके टाइटल डीड्स हैं वो भी क्या करना है उसको डिलीवर करना है किसको बायर को ठीक है तो इस तरीके से ये हमने देखा कि सेलर की कुछ लाइब्रेटीज हैं जो कि सेक्शन फिफ्टी फाइव में फिफ्टी फाइव सेक्शन वन में दी गई हैं। अब हम बात करते हैं सेलर के राइट्स की ठीक है ये तो अभी तक तो बातें थी सेलर के लाइब्रेटीज की अब बात करते हैं सेलर्स की राइट्स की तो हमने यहाँ पर सेलर के राइट को फिर से बिफोर दो भागों में बांट लिया है एक बिफोर कंप्लीशन ऑफ सेल और एक आफ्टर कंप्लीशन ऑफ सेल तो पहले हम देख लेते हैं बिफोर कंप्लीशन ऑफ सेल ठीक है तो यहाँ पर जो इसको राइट right दिया गया है सेलर को वो है राइट टू टेक रेंट्स एंड प्रॉफिट्स इसका सेक्शन देख लेते हैं सेक्शन फिफ्टी फाइव सबसेक्शन फोर और क्लॉज ए में इसको दिया हुआ है तो देखिए जब तक कि ओनरशिप ट्रांसफर होती है बायर को ठीक है जब तक कि बायर को बायर ने उसको जो है पूरा अमाउंट नहीं दिया है या जब तक उसको पोजेशन नहीं मिला है तब तक सेलर क्या करेगा जो भी उस प्रॉपर्टी से रेंट्स आ रहा था या जो भी उस प्रॉपर्टी से प्रॉफिट आ रहा था वो उसको एंजॉय करता रहेगा ठीक है लेकिन कब तक जब तक कि प्रॉपर्टी को ट्रांसफर नहीं किया गया जब तक कि ओनरशिप का ट्रांसफर नहीं किया गया ठीक नेक्स्ट है सेलर्स राइट आफ्टर कंप्लीशन ऑफ सेल अब यहाँ पर हमने बोला कि आफ्टर कंप्लीशन इससे पहले हमने बोला बिफोर कंप्लीशन ठीक है सेल कंप्लीट होने के बाद जो सेलर का राइट बचता है वो है वेयर ओनरशिप पासिस टू बायर बिफोर पेमेंट ऑफ फुल प्राइस द सेलर शेल ऑफ चार्ज अपॉन द प्रॉपर्टी फॉर द अमाउंट दैट रिमेन्स अनपेड तो बताया गया है इसमें कि अगर ओनरशिप ट्रांसफर हो चुकी है बायर को ठीक है लेकिन बायर ने अभी आ, पूरा परचेज मनी सेलर को नहीं दिया है तो उस केस में जितना भी अमाउंट अनपेड रह जाता है बायर के द्वारा उस अमाउंट पे सेलर का चार्ज रहेगा ठीक है वो पैसा उसको इन फ्यूचर डेट या जो एज एग्रीड बिटवीन द टू पार्टीज उसको मिलना ही है ठीक है तो ये uh, सेलर का राइट है आफ्टर कंप्लीशन ऑफ सेल नाउ कमिंग ऑन टू द नेक्स्ट स्लाइड Uh, अब हम बात कर लेते हैं buyer's liabilities and buyer's rights. तो अब सबसे पहले डिस्कस करेंगे buyer की liabilities. इसको भी दो पार्ट्स में किया है मैंने। before completion of sale and after completion of sale. तो देख लेते हैं कि सबसे पहली लाइब्रिटी बायर की क्या है बिफोर कंप्लीशन ऑफ सेल टू डिस्कलोज फैक्ट दैट इंक्रीजेज दैल्यू ऑफ द इट इज a। तो देखिए इसको हम एक केस के जरिए समझते हैं इस क्लॉज को समर वर्सेस ग्रिफिथ ठीक है ये एक केस है जिसमें कि एक ओल्ड लेडी अपनी प्रॉपर्टी को सेल करने के लिए कॉन्ट्रैक्ट करती है बायर के बायर uh, के साथ तो एक्चुअली वो ओल्ड लेडी जो है वो अंडर मिस्टेकन बिलीफ वो रहती है कि उसका प्रॉपर्टी पे राइट right नहीं है उसका जो टाइटल है वो टाइटल है लेकिन बायर जो है उसको कहीं से ये नॉलेज हो जाती है कि नहीं लेडी का परफेक्ट टाइटल है तो वो क्या करता है लेडी जो है लेडी से उसको प्रॉपर्टी को कम दामों में खरीद लेता है ठीक है लेकिन बाद में यही बोला गया था कि ही इज लाइबल फॉर फ्रॉड और उसकी जो सेल थी वो सेटिसाइड कर दी गई थी तो कहने का मतलब यहाँ पर है कि ये बायर की ड्यूटी बनती है कि वो सेलर को बताए कि उसका टाइटल परफेक्ट है उसकी प्रॉपर्टी की वैल्यू इतनी है और अकॉर्डिंगली ही उन दोनों के बीच में सेल की ट्रांजेक्शन कंप्लीट होनी चाहिए इसके बाद आती है जो उसकी नेक्स्ट लाइबी वो है टू पे द प्राइस जो कि दिया है सेक्शन फिफ्टी फाइव सबसे क्लॉज बी तो ये कह रहा है कि आ, बायर जो है वो bound है वो बाउंड परचेज मनी देने के लिए जब सेल कंप्लीट हो गई ओनरशिप ट्रांसफर हो गई तो उसके बाद बायर को ये हक नहीं बनता है कि वो जो परचेज मनी है जितना भी बचा हुआ परचेज मनी है वो अपने को रिटेन वो अपने पास रिटेन उसको कर ले ठीक है अब बात करते हैं बायर की लाइब्रिटी आफ्टर कंप्लीशन ऑफ सेल ठीक तो सबसे पहले लाइबिलिटी है टू बियर द लॉस टू दी क्योंकि जो भी लॉसेस अगर अक्रू होंगे कभी फ्यूचर में आफ्टर ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप तो वो सर वो सारी लॉसेस जो हैं वो बायर ही बियर करेगा उसके लिए सेलर को लाइबल नहीं ठहराया जाएगा ठीक है तो प्रॉपर्टी को प्रॉपर्टी का अगर कोई डिस्ट्रक्शन होता है या प्रॉपर्टी की वैल्यू डिक्रीज हो जाती है सेल के ट्रांजेक्शन कंप्लीट होने के बाद ओनरशिप ट्रांसफर होने के बाद तो उसके लिए बायर ही टोटली totally लायबल रहेगा सेलर को लायबल नहीं कर सकते नेक्स्ट इसमें आता है टू पे आउटगोइंग सेक्शन फिफ्टी फाइव सबसेक्शन फाइव क्लॉज डी तो एक बार अगर बायर के पास प्रॉपर्टी आ चुकी है वो उसको डिलीवरी मिल चुकी है वो उसका ओनर बन चुका है पोजेशन मिल चुका है फिर से जितने भी गवर्नमेंट ड्यूज हैं, उन सबको पे करने की जो लाइबिलिटी है वो फिर बायर के ऊपर आ जाती है अब बात करते हैं बायर्स के राइट की जो कि दिए हैं सेक्शन फिफ्टी फाइव सबसेक्शन सिक्स सब बी तो इसको भी दो भागों में बाईफ कर लिया है बिफोर कंप्लीशन एंड आफ्टर कंप्लीशन ऑफ सेल तो यहाँ पर अगर हम पहले बात करें बायर्स राइट बिफोर कंप्लीशन ऑफ सेल तो ये कहता है टू चार्ज फॉर प्राइस प्रीपेड सबसे क्लॉज बी इफ सेलर फेल्स टू कम्प्लीट द सेल द बायर हैज़ अ चार्ज फॉर द अमाउंट पेड बाई हिम इन एडवांस देखिए बायर और सेलर के बीच में ट्रा uh, एग्रीमेंट बना कॉन्ट्रैक्ट बना किसी प्रॉपर्टी को खरीदने के लिए और बायर ने जो है कुछ एडवांस पेमेंट कर दिया है उस प्रॉपर्टी के लिए लेकिन बाद में सेलर की गलती के कारण या सेलर की सेलर के फेल्योर के कारण जो है वो ट्रांजेक्शन दोनों के बीच में पूरा नहीं हो पाया तो उस केस में फिर बायर का ये राइट right बनता है कि वो जित जितना भी उसने अर्नेस्ट मनी दिया था उसको वो रिफंड करवा ले किससे सेलर से ठीक uh, से, है लेकिन अगर बायर की डिफॉल्ट के कारण बायर की गलतियों के कारण ट्रांजैक्शन जो है सेल की कंप्लीट नहीं हो पाती तो उस केस में फिर वो सेलर uh, से क्लेम नहीं कर सकता फिर जो भी अर्नेस्ट मनी उसने सेलर को दिया है वो सेलर के पास ही रहेगा सेलर शेल बी मनी तो यहाँ पर ये बात कही गई है और इसमें जो अगला अगर प्रॉपर्टी की वैल्यू इंक्रीज हो रही है या उस पर कोई इम्प्रूवमेंट हो रहा है तो उस केस में उस परिस्थिति में बायर का ये राइट होगा कि वो उसको इंजॉय करे तो जैसे उसकी लाइबिलिटी है वैसे ही उसका राइट है आफ्टर कंप्लीशन ऑफ सेल तो हमारा यहाँ पर ख़त्म होता है इसके बाद हम फर्दर टॉपिक करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में थैंक यू ऑल